गलवान वाला वो झड़प याद है जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए थे? याद तो होगा, भूले तो नहीं होगे ना। लेकिन 2023-24 के आंकड़े तो और ही कुछ कर रहे हैं। याद होगा ना, चीन की जलरों का विरोध किया था, चीन की ऐप का विरोध किया था, लेकिन चीन के सामान का विरोध नहीं किया था। चीनी सामान सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ हो रहा है। 2023-24 में सबसे ज्यादा आयात किन देशों से होया है, सुन लेना एक बार थोड़ा ध्यान से। पहले आंकड़ा बताते फिर बताते हैं। जो तुमने ब्रिक्स बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो ब्रिक्स तो शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। खत्म होता क्यों, खत्म होता दिखाई दे रहा है, आपको बताएंगे। 2023-24 में भारत का आयात सुनना अरब डॉलरों में, ये चीन से किया 101 अरब डॉलर का, रूस से किया 61.15 अरब डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात से 48 अरब डॉलर और अमेरिका से 42 अरब डॉलर, सऊदी अरब से 31.4 अरब डॉलर, इराक से 29.96 अरब डॉलर का आयात किया और इंडोनेशिया से 23.41 अरब डॉलर का किया। तो कौन सा विरोध कर दिया भाई? चीन से तो सबसे ज्यादा 101 अरब डॉलर का आयात किया जा रहा है सामान। ये निर्भरता जो है ना, ये नुकसानदेह हो जाती है, नुकसानदेह होने वाली हो जाती, नहीं होने वाली है नुकसानदेह। क्यों नुकसानदेह होने वाली पता है? ब्रिक्स के बारे में एक बात और सामने आई है। जब ब्रिक्स ना, मतलब जो बनाया गया था, ये डॉलर का डिडोलराइजेशन करने के लिए बनाया गया था, इसका मना नहीं कर रहे क्योंकि सबको पता है। और रशिया को तो, जो रशिया ने इराक के साथ युद्ध किया, यूक्रेन के साथ युद्ध किया, अमेरिका ने लगा लगा के प्रतिबंध और रशिया को डाउन में बिठा दिया, बिल्कुल डाउन में। रूस सोच रहा था कि चलो और कुछ नहीं, ब्रिक्स के सहारे पर ही अपनी गाड़ी चल जाएगी ब्रिक्स जो बने इसके सहारे पर, हम अपना एक अलग से समूह बनाएंगे। लेकिन भारत दो नावों की सवारी कर रहा है, ब्रिक्स की भी और क्वाड की भी। क्वाड का तो पता होगा ना, या क्वाड का नहीं पता? क्वाड सम्मेलन भी है कि उसमें भी इंडिया शामिल है, अगर आपको ना पता हो तो बता देते हैं। ये क्वाड के अंदर कौन कौन शामिल है इसका तो आपको पता ही होगा, और रशिया चीन के नजदीक जाता जा रहा है। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, क्वाड के अंदर शामिल है, उसमें भी है भारत। लेकिन ये जो ब्रिक्स के साथ जा रहा है ना, ये नुकसानदेह देश के लिए होने वाला है, देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह। क्योंकि मोटे मोटे तैयार हो जाओ, अमेरिका अपने प्रतिबंध की तैयारी जो कर रहा हो कर रहा है, लेकिन रशिया ने भी इशारा दे दिया कि हम तो चीन के साथ ज्यादा वो करेंगे। चीन दूसरी महाशक्ति है, लेकिन चीन बनना चाहता है नंबर एक महाशक्ति, क्योंकि महाशक्ति है अमरीका। अमरीका ऐसे दुनिया का सरपंच नहीं है कि वो लोगों से अपने लोगों को दबाता रहता है, और वो अपने लोगों का बहुत ध्यान रखता है, ध्यान रखता है अपनी जनता का, तब जाकर वो दुनिया का सरपंच है। ऐसे सरपंच ना है कि कहीं भी कुछ भी फेंक दे और बन गया सरपंच, ऐसे सरपंच नहीं बनाया जाता। अभी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या हो रखी है? ये चलो गुटों में है, कई गुटों में, क्वाड में है, उसमें ब्रिक्स में है, अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ब्रिक्स के बारे में भाई एक बात है, ब्रिक्स में ब्राजील भी है ना, ब्राजील भी तो है ना ब्रिक्स के अंदर। ब्राजील का राष्ट्रपति लुलू तो नहीं आया, लुलू तो मना कर गया भाई, नहीं आ पाया, बोला मेरे तो शर्मा चोट लग गई, मैं तो नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ हुई है ब्रिक्स के अंदर, ऐसे तो नहीं है कि गड़बड़ नहीं हुई है। और सुनना अब इसका थोड़ा सा, आपको सुनकर ना बड़ा अजीब लगेगा। भारत एक तरफ इंडो पैसिफिक में चीन से मुकाबले के लिए क्वाड में है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी है। ब्रिक्स और क्वाड के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। ब्रिक्स पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती देने की बात करता है और क्वाड को चीन अपने लिए चुनौती के तौर पर देखता है। चीन बड़ा जालिमाना चाल चलेगा, देख लेना। जर्मन प्रशासक DW से जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन श्रीराम चोलिया ने कहा, जब ब्रिक्स का विस्तार नहीं हुआ तब तक यह बातचीत का चौपाल था, भाई बातचीत करते रहते थे देश आपस में। ऐसे में भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक तौर पर हासिल करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है तो यहाँ एक किस्म की प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि ब्रिक्स का पूरा स्पेस चीन को सौंप दिया जाए, और जाएगा चीन के हाथों में। विस्तार के बाद ब्रिक्स के पास वैश्विक GDP का 37% हिस्सा है, जो यूरोपियन यूनियन की GDP से 2 गुना है। टोलिया ने DW से कहा, चीन चाहता है ब्रिक्स प्लस पश्चिम के खिलाफ डटकर खड़ा रहे, लेकिन जिस तरह से विस्तार हुआ है उससे चीन का मकसद हासिल होता नहीं दिख रहा। क्या ब्रिक्स को वैसे देशों से मजबूती मिलेगी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मदद से चल रहे हैं? यह गुट कर्ज मांगने वाले देशों का समूह बन जाएगा, न कि एक दूसरे को मदद करने वालों का। मुझे लगता है ब्रिक्स के भीतर भी प्रतिस्पर्धा होगी, न कि चीन का पूरी तरह से दबदबा होगा या तालमेल की पर्याप्त गुंजाइश होगी। लेकिन ऐसा नहीं, हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन किया और रूस ने उसका समर्थन कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, चीन और रूस ब्रिक्स के दो बड़े देश हैं, दोनों चाहते कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान भी शामिल हो जाए,
ये जो खेल चल रहा है ना, ये ऐसे ना चल रहा। रूस ने भी ताकत तत्काल पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन कर दिया। रूस ने कर दिया, चीन ने कर दिया, ब्रिक्स के अंदर भाई शामिल करो पाकिस्तान को। अब ये अगर पाकिस्तान को शामिल करते हैं फिर क्या होगा, सोचा किसी ने? चीन कहां से खेलेगा, चीन कहां से खेला? चीन ब्रिक्स में तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ब्रिक्स में शामिल होना ही सबसे बड़ी गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती कर दी। एक तरफ कहा जा रहा है ब्रिक्स का संस्थापक भारत है, भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है, लेकिन तुम्हारे को साइड लाइन कर दिया जाएगा। थोड़े बहुत ऊपर की तरफ वो बढ़ते हैं तभी कोई फेंकू ना तो ऐसा फेंकने लग जाता है कि वहां पे कमाल ही हो जाता है, कमाल हो जाता है। बोलते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ फेंकना है। मंडी और मंडी के दलालों को लपेटना है, लपेटना है उनको, तो लपेटने से मतलब है। हालांकि पश्चिम और रूस दोनों भारत के क्वाड और ब्रिक्स में होने पर अपनी असहजता जाहिर कर रहे हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 2021 में क्वाड को लेकर कहा था, पश्चिम एक दुर्व्यवसाय बहाल करना चाहता है लेकिन रूस और चीन के उसके मातहत होने की संभावना कम है। भारत अभी इंडो पैसिफिक में पश्चिम देशों की चीन विरोधी नीति का एक मोहरा बना हुआ है, मोहरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रूस के इस बयान से समझा जा सकता है कि अमेरिका से भारत की बढ़ती करीबी उसे परेशान करने वाली है। रूस परेशान है अमेरिका की दोस्ती के चक्कर में, अच्छा। वहीं भारत के ब्रिक्स और रूस के साथ करीबी को लेकर अमेरिका अपनी असहजता जाहिर कर रहा है। स्टैनली जॉनी ने लिखा, पिछले 4 सालों में कई पश्चिम के विश्लेषकों और अधिकारियों ने भारत को अपने पाले में लाने के लिए चीन कार्ड का इस्तेमाल किया। पश्चिम को यह बात पसंद नहीं है कि भारत अपनी पसंद की विदेश नीति पर आगे बढ़े। पश्चिमी यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है, चीन और रूस दोनों एक हैं। बाइडेन प्रशासन में दलीप सिंह डिप्टी NSA, उन्होंने अप्रैल 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के कुछ हफ्ते बाद कहा था, अगर चीन सरहद पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो भारत की सुरक्षा में रूस आगे नहीं आएगा, सबसे अच्छा मित्र नहीं आएगा, साथ में देख लेना। इसी साल जुलाई में पीएम मोदी मॉस्को से वापस आए तो बाइडेन प्रशासन के NSA जैक सुलिवन ने कहा, रूस पर लंबे समय तक दाव लगाना किसी भी लिहाज से समझदारी नहीं है, रूस चीन के करीब आ रहा है, यहां तक कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन गया, ऐसे में रूस किसी भी हाल में चीन के साथ होगा ना कि भारत के साथ आएगा। भारत के साथ नहीं आएगा, रूस चीन के साथ जाएगा। अब एक तरफ तो यहां दिखाया जा रहा है डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, रूस चीन के साथ जा रहा है। ये क्वाड में जो शामिल होगा, ब्रिक्स में शामिल होगा, ये दिखा रहे थे भाई देखो कितना वो है, और वो चीन वाले के साथ आगे बढ़ गया। अपने विश गुरु वहीं खड़े रह गए, विश गुरु को बोल ही नहीं, आ जा तू भी साथ में, पता था बोलेगा क्या। कहीं अंग्रेजी आती भी है या नहीं आती, बातचीत कैसे करते हैं वहां जाके, ये समझ में आया किसी को? एक तरफ तो बोलते हैं अनपढ़ है, ये है वो है, फिर बात कैसे करते हैं? हर जगह तो दुभाषिया नहीं हो सकता ना, कुछ बातें गुप्त भी होती हैं, फिर फाइलें कैसे पढ़ते होंगे, इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखी होती है उनमें, वो कहीं पर भी साइन करवा सकते हैं वो तो, और वो साइन करवा लिए। अब अमेरिका इंतजार कर रहा है, एक बार ब्रिक्स वापिस आ गया ना, अब तो इधर आ जा, ये निखिल गुप्ता ने मुंह खोल लिया, इसने क्या बोल लिया, आप बोल, होगा घपला हो चुका अमेरिका के अंदर। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में भाई, ब्रिक्स के बारे में अपनी राय रखना, किराएगा इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।